Hello, children. Welcome back to online class, RPS Public School. And today I'm going to take a class 6. For class 6, so student of class 6, listen carefully. Class 6 ke bachche dhyan denge. Subject SS और T और वो भी हिस्ट्री से, ठीक है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जो टॉपिक्स हम लोग पढ़े थे हड़प्पा संस्कृति के बारे में, कि कैसे कैसे जो है वो सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था और कैसे कैसे जो है नई नई सभ्यताएं जो है विकसित हुई थी, और उसी के टॉपिक को लेकर के आज मैं आया हूं। और आगे जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक का, सो वो है हमारा द कैथेड्रल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। Within the cradle at Mohenjodaro. Discovered a structure that the called the Great Bath. This was like rectangular tank made of fire bricks, ठीक है। Closely fitted together and also there several rooms around there, ठीक है, around there.
चलिए दूसरा देखते हैं, रेसिडेंटियल साइज। इसको ध्यान से आप लोग उतार लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं। 2 मिनट के लिए मैं साइड भी हो जा रहा हूँ, ठीक है। रेसिडेंटियल साइड चलिए रेसिडेंटियल साइट्स में हमारा क्या है, इन द टाउन एरिया विच away from the cathedral platform where built for house street platform remembered house in the city to build above the floor level. Houses which were smaller streets. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग 2 मिनट के लिए इसको वीडियो को पॉज कर दीजिएगा और तब इसको आराम से आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम डिस्क्राइब करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो है कैटल। विद इन द कैटल एट मोहनजोदड़ो आर्कियोलॉजिस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर्स दैट दे कॉल द ग्रेट बाथ। देखिये, जो मोहनजोदड़ो की सभ्यता, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये दो ऐसी सभ्यताएं थी जिन्होंने जिनका एक अपना ही एक अलग ही सिग्निफिकेंस था। ये शायद एक दूसरे से इतनी अलग थी, इसी के बावजूद ये दोनों का नाम इतना ज्यादा हो पाया। कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता खत्म होने का सबसे बड़ा कारण था बाढ़, क्योंकि शहर तो बड़ा अच्छा से सजाया हुआ था लेकिन फ्लडिंग का कंडीशन इतना ज्यादा दिक्कत करता था कि ड्रेनेज के सिस्टम उनके अच्छे नहीं थे। अभी आपको मैं बताऊंगा कि सिस्टम्स तो उन्होंने इतना ज्यादा डेवलप कर लिया हुआ था कि ड्रेनेज सिस्टम को एक जगह से दूसरी जगह खाली करने के लिए उनको ज्यादा समय नहीं मिलता था, लेकिन लोअर सर्फेसेस में काफी दिक्कतें हमेशा आया करती थी, क्योंकि अपर सर्फेस में जितने सारे जो शहर के इलाके जो है वो बसाए गए थे और शहर के इलाकों के बसाने के कारण
हमेशा दिक्कतें आती थी कि उधर से जितने भी सारे जो नदी नाले और जो इंडस्ट्री से निकलने वाले जो भी चीजें थी, जो वहां वर्क हुआ करता था एक बड़े पैमाने पर, तो उसको इंडस्ट्रीज ही मानिए, तो निकलने वाली चीज तो सीधे निचले भाग में चली आती थी और निचले भाग में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही यह दिक्कतें हमेशा सालों साल जो है वो आया करती थी। दिक्कत यहाँ क्या था कि जो हाउसिंग का जो प्लान वहां पे हुआ करता था वो बहुत ही उनका कंडीशंस खराब था, क्योंकि उनकी गलियां थी बहुत छोटी छोटी गलियां, और गलियों में इतना ज्यादा कंट्राडिक्शन था कि लोग जो है वो लोगों का आन जान अंबार ऐसे ही लगा हुआ रहता था। लेकिन छोटी गलियों के कारण उनका ड्रेनेज सिस्टम जो है वो सही नहीं होता था। लेकिन यही चीज अगर अपर इलाके में देखा जाता था तो उसका ड्रेनेज सिस्टम जो है वह A1 क्वालिटी का था। पानी आते ही पता नहीं चलता कि हाँ पानी कहाँ लगा हुआ है, सीधे आया और ड्रेनेज सिस्टम से गायब हो गया। तो खैर छोड़िए, इसकी हम बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं, जो क्या करते हैं, हिस्ट्री यानी कि इतिहास में मिली हुई जितने भी सारी जो चीजें होती है जिनकी खुदाई की जाती है, उस खुदाई से बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो है वो लोग इकट्ठा करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इसका मतलब ए पर्सन हु स्टडी द पास्ट इवेंट, मतलब ए पर्सन वह व्यक्ति जो कि पास्ट इवेंट के बारे में जो है वह जानकारी रखता है। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट को यह प्राप्त हुआ एक ग्रेट बात, मतलब कहने वाली बात यह थी कि मोहनजोदड़ो की सभ्यता में स्नानागार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, और स्नानागार जो है वह बड़े बड़े होने के कारण जो है वह उनको पानी जो है वह उनको दिक्कत नहीं होता था। इसलिए दिक्कत नहीं होता था कि ग्राउंड का लेवल क्या होता था, बराबर हो जाता था। पुराने जमाने में जो है जगह जगह तालाब खुलाए जाते थे, नहर खुलवाई जाती थी, कुएं खुदवाए जाते थे, ताकि ग्राउंड लेवल का पानी को जो है वो आराम से बरकरार रखा जा सके कि अकाल जो है जैसी समस्याएं बार बार ना आए और रेन वाटर को हार्वेस्ट किया जा सके। इसलिए तो एक रेक्टेंगुलर रूप में एकदम ऐसे, और उसके चारों बगल जो है वह घर जो है वह मिला, ऐसा खुदाई के दौरान उन्हें प्राप्त हुआ, जो कि बना हुआ था बहुत सारे ब्रिक्स से, और जो जिन ईंटों का वो लोग इस्तेमाल किया करते थे वो पक्की ईंटें होती थी, और वो ईंटें जो है वो बड़ी मजबूत हुआ करती थी। ठीक, क्लोजली फॉल टुगेदर एंड ऑल्सो देयर वेयर अ सेवरल रूम्स ऑफ अराउंड देयर, और बहुत सारे रूम भी उसके चारों तरफ में हुआ करते थे, यानी कि उस घर के रहने वाले लोग उसी स्नानागार पर जो है वो डिपेंड करते होंगे, उसी तालाब का जो है वो इस्तेमाल करते होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखेंगे रेसिडेंटियल साइट्स के बारे में, मतलब आवास के बारे में, आखिरकार वो लोग रहते कैसे थे, और जिसकी जानकारी जो है वह अब हमें प्राप्त होगी। क्या है कि इन द टाउन एरिया, शहर के इलाकों में, वेयर फार अवे, कुछ दूर, जैसे कि हम लोग रूरल एरिया, हम लोग अगर इलाके के बारे में अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो अर्बन एरिया और रूरल एरिया होता है। अर्बन एरिया मतलब शहरी इलाका और रूरल एरिया मतलब ग्रामीण इलाका। तो अर्बन एरिया कैसा होता है, अर्बन एरिया वही होता है जहाँ पे सारी फैसिलिटी जो है मौजूद होती है, बढ़िया रोड बने हुए हैं, हॉस्पिटल की फैसिलिटी है, सिक्योरिटी है, पुलिस है, स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं, ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, हर चीज की फैसिलिटी है, और हर चीज के आपको पैसे पेड करना पड़ता है, ये सारी जो है वो फैसिलिटी मिलती है उसमें अर्बन एरिया में। लेकिन रूरल एरिया में ऐसा नहीं होता। तो इसका जो है वो कुछ दूर यानी कि ऊंचे स्थान पर, मतलब
प्लेटफॉर्म वी आर बिल्ड फ्रॉम द हाउस, एक बड़े प्लेटफॉर्म पर, एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर जो हुआ करता था. एंड द प्लेटफॉर्म लेवल इन लैंडेड इन द सिटी टू बी बिल्ट अबव द फ्लड लेवल. और हमेशा वो शहर जो है वह फ्लड लेवल यानी कि जहां तक, जिस लेवल तक बाढ़ आता था उस लेवल तक शहर नहीं रहता था. बाढ़ के इलाके से शहर जो है वह काफी ऊंचा हुआ करता था. यानी कि शहरों का निर्माण जो है वह इस आधार पर किया हुआ था ताकि बाढ़ आने से शहर को खतरा न हो, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था जो है वह हमेशा बनी रहे. तो कहने का मतलब यह है कि उनकी यह सोच कहीं ना कहीं आज उनकी सोच की वजह से हम लोग भी इस चीजों को देखते हैं. आज भी देखा होगा आपने जगह जगह जो है बांध को काटा गया तभी जो है वह शहर बच पाया. अगर बांध नहीं काटा होता तो हमारा शहर मुजफ्फरपुर कब का बह गया होता. चलिए देखते हैं कि द हाउस विच वी ए स्मॉल स्ट्रीट. और जो जिस घर में वो लोग रहा करते थे वो घर भी जो है वो क्या हुआ करता था, वो उसकी गलियां एकदम तंग हुआ करती थी, पतली पतली हुआ करती थी, काफी कंजस्टेड हुआ करती थी. और गलियों की कंजस्टेड होने की वजह से वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. और समझने वाली बात यह है कि ये जो चीजें हैं तो स्मॉलर स्ट्रीट यानी कि जो छोटी छोटी जो है गलियां हुआ करती थी तो जिगजैग फॉर्म के कारण जो है उसमें ड्रेनेज सिस्टम का होना न होना दोनों बराबर हुआ करता था. ठीक है, तो जितने भी सारे डोमेस्टिक यूजेस की जो वेस्टेज चीजें थी वो थोड़ी सी बेकार हो जाती थी. तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में.